हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लिमिट यानी सीमा के पार्ट नंबर 4 की। जैसा कि हम देख चुके हैं, इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट में 4 मेथड करा चुका हूं। तो आपने अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी पार्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और एंड स्क्रीन पर भी दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेथड नंबर 5 है, एक्सपेंशन मेथड यानी प्रसार विधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपने को ये यूज कब करना है पहले वो देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मान लो इसकी वैल्यू जैसे आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं अब ये वैल्यू कैसे आ सकती है। तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जब ये सबसे पहले साइन एक्स का जैसे मैं प्रसार कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, इस तरह से ये हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए यहाँ करना क्या अपने को कि अब ये प्रसार आप वहाँ पर पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो साइन एक्स की जगह आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, अपॉन में आपका एक्स चल रहा है। ठीक, आप इसका एप्लीकेशन ध्यान से समझ लें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ कॉमन क्या है एक्स, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट अपॉन में एक्स, ये आपका हो गया कैंसिल। और अब यहाँ लिमिट लगाएंगे एक्स टेंड्स टू 0 में एक्स की जगह 0, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये इस तरह स्टूडेंट हो गई यहाँ पर एक्सपेंशन मेथड यानी प्रसार विधि। क्लियर। अब ये लेकिन प्रसार विधि में देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको यहाँ पर प्रसार याद होना चाहिए और फिर आप एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रसार हैं वो यहाँ पर हमारे काम आ सकते हैं। साइन एक्स के बाद बात कर रहे हैं अपन कोस एक्स की। तो कोस एक्स का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आपका कोस हो गया। टेन एक्स का प्रसार अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपका हो जाता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट। ये ध्यान रहे ये सभी अनंत श्रेणी प्रसार हैं, यानी इनके पदों की संख्या इन्फाइनाइट तक जानी है। आगे देखते हैं 10 के बाद चलिए अब हम बात करेंगे हाइपरबोलिक साइन एक्स की। हाइपरबोलिक साइन एक्स का पता आप सभी को है कि हाइपरबोलिक साइन एक्स एक तरीके से शॉर्ट इंडिकेशन है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का। क्लियर। तो इसका प्रसार क्या होता है, देखिए एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ देखिए अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, जैसे आप यहाँ साइन एक्स का प्रसार देखो, ये आपका वही है आपका 1 3 5, ये आपका अल्टरनेटिव ऑर्डर है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ आप देख रहे हो कि ये सारे पॉजिटिव हैं। चीज़ वही है जो साइन एक्स की थी, वही हाइपरबोलिक साइन एक्स की है। आगे देखते हैं हाइपरबोलिक कॉस एक्स की अगर कोई बात करे तो ये आपका हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ ये ध्यान रहे कभी भी कोई हाइपरबोलिक कॉस एक्स की आपसे वैल्यू पूछे तो ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट। अब अपन चलते हैं यहाँ पर हाइपरबोलिक टेन एक्स की प्रसार पर। तो हाइपरबोलिक टेन एक्स का प्रसार जो होता है वो आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए आपको इसे याद कैसे करना है, जैसे आप 10x का प्रसार देखो, इसमें जो पद आ रहे हैं वही हाइपरबोलिक 10x में आ रहे हैं, लेकिन इसमें पद सारे प्लस में आ रहे हैं और इसमें ये अल्टरनेटिव ऑर्डर यानी प्लस माइनस प्लस चल रहा है। क्लियर। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रसार हैं। जैसे e की पावर x की बात अगर करें
तो ये आपका वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री और ये आपका इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे ही अगर हम e की पावर माइनस एक्स की बात करें तो यहाँ पर एक पद प्लस का और एक पद आपका हो जाता है माइनस का। क्लियर। तो ये है स्टूडेंट अपना चरघातांकी प्रसार। आगे बात करेंगे अपन e की पावर एक्स। e की पावर एक्स में देखिए क्या होता है, जैसे कि वन प्लस एक्स लॉग बेसी ए प्लस एक्स लॉग बेसी ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट और ये इन्फिनिटी तक है। ए की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो स्टूडेंट प्रसार यही आएगा, बस एक प्लस का और एक माइनस का रहेगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं कुछ और प्रसार पर और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए कुछ एक दो पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे नए प्रसार पर चलेंगे। जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो फाइव की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है। तो अभी आपने ए की पावर एक्स का प्रसार देखा था तो आप उसी से इसको बना लेंगे। तो आपका मैंने अभी बताया था ए की पावर एक्स का प्रसार क्या होता है, वन प्लस एक्स लॉग बेसी ए प्लस एक्स लॉग बेसी ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट। तो ये यहाँ अपन जमा देते हैं। चलिए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो फाइव की पावर एक्स का हो जाएगा, यहाँ ए की वैल्यू फाइव है, बस आपको वही चेंज करनी, बाकी तो वही है ही। तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस एक्स लॉग बेसी फाइव और यहाँ हो जाएगा एक्स लॉग बेसी फाइव का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट और ये अपॉन में आपका चल रहा है यहाँ पर एक्स। क्लियर। और ये माइनस वन ऑलरेडी यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं वन से वन आपका कैंसिल हो रहा है। एक्स का अगर मैं डिवाइड हर एक पद में करूं तो यहाँ कुछ पिक्चर इस तरह बनेगी कि लॉग बेसी फाइव प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा सिंगल एक्स और लॉग बेसी फाइव का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट और अपॉन में स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा एक्स। अब आप लिमिट यूज़ करेंगे, ये एक्स का सॉरी डिवाइड हो गया था तो यहाँ वन आएगा। तो अब आप लिमिट यूज करेंगे तो एक्स की जगह जीरो होने से आगे के सभी टर्म जीरो हो जाएंगे और फाइनल आंसर अपना आ जाएगा लॉग बेसी फाइव। क्लियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं है। आगे देखते हैं कुछ और प्रसारों को कि आगे अपने क्या क्या प्रसार अपने लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ स्टूडेंट देखिए अगला अपना प्रसार है। अब तक मैंने आपको बता दिए त्रिकोणमितीय और आपको बता दिया अतिपरवलयिक फलन और चरघातांकी प्रसार। अब चलते हैं अपन इनवर्स पर। अगर कभी भी साइन इनवर्स एक्स का प्रसार आपसे पूछा जाए तो ये कुछ इस तरह होगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस नाइन एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। और अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि ये तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका होता है पाई बाई टू। तो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये आपका पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ अपन यही करेंगे कि पाई बाई टू में से जो साइन इनवर्स एक्स का ये प्रसार है उसको आप माइनस कर देंगे। तो ये माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस नाइन एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आपकी वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स एक्स की। आगे बात करेंगे अपन टेन इनवर्स एक्स में। इसमें देखिए क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव और ये आगे प्लस माइनस का टर्म इसी तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। ये ध्यान रहे अभी मैंने जितने भी आपको प्रसार बताए थे ये सभी इनफाइनाइट एक्सपेंशन हैं यानी अनंत प्रसार हैं। इन सभी में पदों की संख्या अपरिभाषित है यानी ज्ञात नहीं की जा सकती। आगे कुछ और प्रसार देखते हैं जिनको कहते हैं अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड लॉगरिथमिक एक्सपेंशन। स्टार्ट करेंगे।
यहाँ स्टूडेंट अपना अगला प्रसार है आपके सामने लॉग बेसी वन प्लस एक्स का। इसे ये ध्यान रहे, अगर कभी आपसे कोई लॉग वन प्लस एक्स का प्रसार पूछे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है। तो लॉग बेसी वन प्लस एक्स का आपका हो जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये आपका हो गया लॉग बेसी वन प्लस एक्स। आगे अगर हम बात करें चलिए क्वेश्चन की, तो दूसरा एक प्रसार पहले और देख लेते हैं लॉग बेसी वन माइनस एक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट सारे ही टर्म आपके नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके सारे ही टर्म नेगेटिव हो जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो और लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। वैसे तो अपन सभी जानते हैं कि एक मानक सीमा है और इसकी वैल्यू प्लस वन है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे प्रसार की सहायता से, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉग वन प्लस एक्स का जो प्रसार है वो आपका ऊपर मैंने बताया था कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी होता है, अपॉन में आपका एक्स चल रहा है। तो यहाँ जैसे ही मैं एक्स से भाग दूंगा सभी पदों में तो यहाँ बचेगा आपका वन माइनस एक्स वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है कि अपन एक्स की जगह जीरो लगाएंगे तो एक्स वाले पद जीरो हो गए, तो यहाँ आपका बचेगा वन। तो इस तरह ये रियल नंबर में अपना आंसर आ गया वन। अब मैं आपको ले चलूँगा बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी द्विपद प्रसार की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्विपद प्रसार में अब जो भी मैं आपको बताऊंगा वो होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशंस। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब आपका होता है द्विपद प्रसार, ठीक है। जैसे आपने इलेवेंथ में टॉपिक पढ़ा था द्विपद प्रमेय, ये उसी से रिलेटेड है। अब इसका सीमा में क्या यूज़ है चलिए वो देखते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में सबसे जो मेन एक्सपेंशन है वो है एक्स प्लस ए की पावर एन का। ये आपका हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। और आपका ये तब तक जाएगा जब तक कि ए की पावर एन नहीं आ जाए, क्लियर। ऐसे ही अगर हम एक्स माइनस ए की पावर एन की बात करें तो प्रसार यही रहता है, बस आपका एक पद प्लस का हो जाएगा और एक पद माइनस का। इसे अपन कहते हैं अल्टरनेटिव ऑर्डर यानी एकांतर क्रम, क्लियर। आगे देखते हैं, अगर कभी वन प्लस एक्स की पावर एन की सिचुएशन आ जाए, वन प्लस एक्स की पावर एन, तो ये स्टूडेंट हो जाता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब। और इसी तरह से ये कब तक चलेगा, जब तक एक्स की पावर एन नहीं आ जाए। अगर मान लो वन माइनस एक्स की पावर एन हो तो आपका वही है क्रम, एक पद प्लस का और एक पद माइनस का, बस इस क्रम में इनको चलाते रहेंगे अपन। तो ये आपका हो गया यहाँ पर प्लस माइनस, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का बनता है, पहले मैं आपको वो बता दूँ जो कि पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था NDA 2014 में। तो यहाँ स्टूडेंट देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वन प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार मैंने जस्ट अभी बताया आपको ये रहा, तो इसको अपन यहाँ सेट कर देंगे वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आपका चलता रहेगा, बाद में माइनस का आपका वन है और अपॉन में ये बचेगा हमारा एक्स, तो वन से ये बन जाएगा। और एक्स का भाग अगर हम हर एक पद में दें तो यहाँ स्टूडेंट हमारा कुछ इस तरह से टर्म बनेगा कि एन प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, यूजिंग द लिमिट, तो एक्स वाले पद आपके जीरो में गए, यहाँ बचा आपका एन,
तो इस तरह क्लियर स्टूडेंट ये आंसर हो रहा है आपका। यहाँ पर दो विशेष प्रसार आप और ध्यान रखना, यहाँ दो विशेष स्थिति हैं कि अगर वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन आ जाए तो क्या करना है, और वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन आ जाए तो क्या करना है। क्लियर? देखिए इसमें और इस पहले वाले में क्या डिफरेंस था, ऊपर पावर पॉजिटिव थी, यहाँ एन नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट अपना हो जाता है वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, ये एन प्लस वन सॉरी, अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रहे ऊपर वाले प्रसारों में माइनस थी, यहाँ पर अंदर प्लस है, और इसी तरह से आगे। वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन में क्या होगा कि बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव की कंडीशन आ जाती है, प्रसार वही रहेगा जो ये है। आपको बस सारे ही पद अब किस में ले लेने हैं, प्लस में। जैसे कि आपने देखा ऊपर प्लस माइनस इस तरह की कंसेप्ट बन रही थी, लेकिन नीचे सारे ही पद किस में रहेंगे, प्लस में, प्लस 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 इस तरह से। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट अपना द्विपद प्रसार। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रहे कि अगर n बिलोंग्स टू n है, यानी n एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि पदों की संख्या जो होती है वो n प्लस वन होगी, यानी एक ज़्यादा। और अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, यानी n बिलोंग्स टू q आ जाता है, कोई परिमेय संख्या आ जाती है, जैसे कि आपकी 3/2 -3, तो ऐसी स्थिति में पदों की संख्या वहाँ पर अनंत रहती है। इसको कहते हैं अपरिभाषित प्रसार। तो यहाँ स्टूडेंट अब तक मैंने आपको लिमिट के चार वीडियो बता दिए हैं, जिनमें कि सभी लगभग बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आगे और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगामी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।